हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वेलकम टू फिजिक्स क्लास एट यदुवंशी शिक्षा निकेतन. आई एम मोहित, इजी लर्निंग विद फिजिक्स मोहित. ओके, सो आज हम ट्वेल्थ क्लास के लेक्चर स्टार्ट करेंगे. ट्वेल्थ क्लास के जो टॉपिक्स हैं आपने, जैसे कि अभी हमारे ट्वेल्थ क्लास में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम बेसिक स्टडी करते हैं चार्जेस की. जैसे कि हमारे जो चार्ज है इसको लगभग हम 3 से 4 महीने तक चार्जेस की स्टडी करते हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये तीन हमारी मेन ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की. तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी हम अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं. कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, चार्जेस, कूलम फोर्स, पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो स्टडी करते हैं हम, क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट. मतलब रेस्ट चार्जेस की स्टडी हम कौन से टॉपिक में करते हैं, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं. मैग्नेटिज्म में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होगा, स्टडी ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज. ओके, तो मतलब हमें पूरा लगभग काफी टाइम लगता है इनको पढ़ने में. इलेक्ट्रोस्टैटिक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में 3 से 4 महीने हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना क्या है, चार्ज ही तो पढ़ना है. चार्ज. पहले चार्ज हमारा क्या है, रेस्ट पे, जिसमें हम क्या बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड. और यहां पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होगी. ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है. तो पहले हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, चार्ज क्या है. ओके, सो हम अब देखते हैं चार्जेस क्या होते हैं. चार्ज कुछ नहीं है, जो हम चार्ज जानते हैं, बेसिक चार्ज क्या है हमारे पास, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन. बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को हम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज मानते हैं. यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ चार्ज कूलम. क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. अच्छा, हम कहते हैं अब जब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज हमने इलेक्ट्रॉन माना है, तो मतलब दुनिया में हमारे लिए सबसे छोटा चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन. वैसे हमारे लिए क्या होती है, क्वार्क्स भी होती है, जिसमें हम क्या कहते हैं, प्लस माइनस ई बाई थ्री, प्लस माइनस टू ई बाई थ्री, ये भी होता है, बट हम इसको कंसिडर नहीं करते. हमारे लिए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, दैट इज ई. ओके, सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9.1 × 10⁻³¹ केजी. मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है, बट वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव. मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 × 10⁻²⁷ केजी एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन का थोड़ा बहुत, थोड़ा सा ज़्यादा होता है. तो ये क्या है अपना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन. तो ये हमारे बेसिक चार्ज के बारे में बात किया. अब कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज करते हैं हम. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सबसे पहली चीज, कोई भी चीज है हमारे पास, कोई भी बॉडी है, मान लो कि ये बॉडी क्या है अपनी, न्यूट्रल है. क्या है, न्यूट्रल बॉडी. अब न्यूट्रल बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उस पर हमारे पास जो चार्ज आना है वो कैसे आएगा, हमेशा जो ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन इज ओनली पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन. हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो भी चार्ज आएगा किसकी वजह से आएगा, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मान लो अगर इस बॉडी को मुझे
मैंने इस बॉडी से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, बाहर निकाल, तो इस बॉडी पे क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस 100 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कितना आएगा? प्लस 100 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अगर मैंने इस बॉडी को, मान ली दूसरी बॉडी है, एक बॉडी ये थी हमारे पास, ये हमारे पास दूसरी बॉडी है, इस बॉडी को मैं 50 इलेक्ट्रॉन्स दे दूं, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस 50 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रॉन निकालने से बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन देने से बॉडी पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी हम क्या कहते हैं? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज को हम एलजेब्रा की तरह सिंपल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अभी हमारे पास एक बॉडी है, इस पे मैंने क्या दिया? प्लस 1 कूलम, माइनस 2 कूलम, प्लस 3 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना हुआ इस पे? टोटल चार्ज क्या होगा? 3 प्लस 1 4 माइनस 2, तो कितना आएगा टोटल? प्लस 3 प्लस 1 माइनस 2, दैट इज कितना आ गया? 2 कूलम प्लस का चार्ज। ओके, 2 कूलम चार्ज का है, ये पहली प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज इज कंजर्व। मान लो कि हमारी कोई बॉडी है, तो ये जैसे एक बॉडी है, इस पे मैंने ये 3 चार्जेस दिए, प्लस 3 कूलम, प्लस 2 कूलम एंड माइनस 6 कूलम। ओके, तो टोटल चार्ज कितना है हमारा इस पे? कितना है? 3 और 2 5 माइनस 6, कितना आया? माइनस 1 कूलम। अब मैंने कहा कि जैसे कि इसमें थोड़ी देर के बाद में मैंने इस पे चार्ज कर दिया प्लस 2 कूलम, इस पे माइनस 7 कूलम, तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा? कितना चार्ज होगा? क्योंकि पहले मेरा कितना चार्ज था? प्लस 3 प्लस 2 माइनस 6, कितना है? माइनस 1 कूलम। अभी जो चार्जेस हैं प्लस 2 माइनस 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू, टोटल चार्ज मेरा क्या रहेगा सिस्टम का? कंजर्व्ड रहेगा। टोटल चार्ज हमारे सिस्टम का क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। तो यहाँ से ये कितना आएगा हमारा, बताइए? माइनस 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 5, एक्स इज इक्वल टू प्लस 4 कूलम। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? प्लस 4 कूलम चार्ज आएगा। तो हमारा चार्ज क्या है? हमेशा कंजर्व्ड रहेगा फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। जितना पहले चार्ज था उतना फाइनल रहेगा। चार्ज हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है अपनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अपना होगा कि मान लो कि हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी में मैंने कहा कि मैं 100 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता हूं और इस दूसरी बॉडी को ये 100 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो यहां पे कितना चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 100 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 100 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये पॉसिबल है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से मैंने 2.5 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए और ये 2.5 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो यहाँ क्या चार्ज आएगा? प्लस 2.5 इलेक्ट्रॉनिक और माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉनिक। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज हमने क्या मानी थी? इलेक्ट्रॉन मानी थी। तो मतलब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, दो निकाल सकता हूँ, तीन निकाल सकता हूँ, बट मैं 0.5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकता। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन। क्वांटा मतलब क्या होता है? पैकेट्स। क्वांटा मतलब क्या है? पैकेट। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मतलब मेरा जो भी चार्ज दुनिया में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी बेसिक चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये जो चार्ज है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसा रहेगा? रेस्ट पे रहेगा।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं कूलम्स लॉ से। किससे करेंगे? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? जैसे कि हमें पता है एक प्रॉपर्टी जो हमारे चार्ज की होती है कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को? रिपेल। इनके बीच में क्या होती है? दुश्मनी होती है। एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। और हम जैसे कहते हैं अनलाइक चार्जेस, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से जो कूलम्स लॉ है उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जो कूलम फोर्स होती है ये किसके बारे में बात करता है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा, किधर होगा और कैसा होगा। तो ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है, मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा ये हमेशा इस चार्ज पे, मान लो अगर इधर फोर्स है और इस चार्ज पे फोर्स इधर होगा, तो क्या होगा कि एक चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स है तो दूसरे चार्ज पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। मान लो कि दोनों चार्जेस कैसे हैं हमारे, Q1 Q2, ये फोर्स इधर तो ये फोर्स इधर, तो सबसे पहली चीज हम क्या कहेंगे कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन बोथ द चार्जेस। कैसा फोर्स होगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा दोनों चार्जेस पे। दूसरा, अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ हम क्या कह सकते हैं? क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर? अच्छा, एक चीज़ और देखो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से हमको ये भी कह सकता है कि मान लो कि सर मैं कहूँ कि ये एक चार्ज Q1 है, ये एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज पे मैंने कहा फोर्स इधर आया तो दूसरे चार्ज पे फोर्स इधर आ गया, सर अपोजिट तो हैं एक दूसरे के, ये क्या ये सही है? नहीं। कूलम लॉ क्या कहता है यहाँ पे कि कूलम फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही होगा। मान लो कि अगर इस पे इधर है तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, ऐसे ये फोर्स नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब जो हमारा एक होता है एक्शन रिएक्शन पेयर, क्या कूलम फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है? एक्शन रिएक्शन पेयर की कंडीशन क्या होती है? एक्शन रिएक्शन पेयर की कंडीशन होती है कि सबसे पहली कंडीशन बोथ फोर्स आर ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। सबसे पहली चीज कि एक्शन एक बॉडी पे हो रहा है उसका रिएक्शन दूसरी बॉडी पे होना चाहिए। दूसरी बात क्या होती है एक्शन रिएक्शन पेयर की कि ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या हमारा कूलम्स लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर है? हाँ, इक्वल एंड अपोजिट है। दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहा है, एक चार्ज Q1 पे लगेगा तो एक चार्ज Q2 पे लगेगा, तो दो अलग अलग बॉडीज भी है, तो कूलम्स लॉ इज एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये कंडीशन भी वैलिड होती है। तो ये हमारे जो बेसिक चीज़ें हैं जो कूलम्स लॉ ने हमें बताई कि क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। एक और चीज़, कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें कूलम्स लॉ के लिए हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो फोर्स आती है कूलम फोर्स आती है ये कितनी आएगी और किस डायरेक्शन में आएगी और अलग अलग कंडीशंस पे मल्टीपल चार्जेस के लिए हम इसको चेक करते हैं। जो कूलम ने कहा कि जो दो फोर्सेस हैं वो कैसी होंगी, मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो R है। सो दिस कूलम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मान लो कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, डायरेक्शन तो हमें पता है क्या होगी, अपोजिट। सो अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, सो दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस।
एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वेयर के. ओके, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, कूलम फोर्स एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेयर, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट और जिसकी वैल्यू क्या होती है, के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9. अच्छा, k की यूनिट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे है f इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेयर. सो k इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर स्क्वेयर क्यू वन क्यू टू. तो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन. r डिस्टेंस मीटर, कूलम कूलम. तो क्या लिखेंगे हम, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर. ठीक है, कोई इशू किसी को. जो k की हमारी दूसरी वैल्यू होती है जो हम लिखते हैं, k डिफाइंड है, जो k इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो इसकी वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. और यूनिट्स क्या हो जाएंगी, तुम देखो एप्सिलॉन नॉट को यहां लेके आएंगे, के को यहाँ लेके जाऊंगा, के की वैल्यू ये यहाँ पे पुट करेंगे, तुम कैलकुलेट करके देखोगे तुम्हें ये वैल्यू मिलेंगी. और यूनिट्स क्या हो जाएंगी इसकी, कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन मीटर स्क्वेयर, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है. यूनिट क्या हो जाएंगी, दोनों की रिवर्स हो जाएंगी. कोई इशू किसी को, कोई ठीक है. जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसके बारे में हम देखें तो हम आगे पढ़ेंगे. जो स्पीड ऑफ लाइट होती है दैट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इससे डिफाइन की जाती है. यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट तो हमने डिफाइन कर दिया, म्यू नॉट हम कहाँ से डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिज्म के चैप्टर में. तो ये चीज़ें आगे देखी जाएंगी. तो यहाँ पे हम बेसिक एग्जांपल जो होते हैं, दो चार्ज रख दिए, दो कूलम, तीन कूलम, इनके बीच में फोर्स कितना होगा, ये सब तुम निकाल सकते हो. ये ऐसे एग्जांपल हम यहाँ पे नहीं कर रहे. तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन का हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं. मान लो कि मोमेंटम कंजर्व कब होता है, ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब होता है. फोर्स इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर मैं कहूं कि कोई भी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो. एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो. अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम कहेंगे कि डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो. सो यहां से डी पी इज इक्वल टू जीरो. सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. किसी भी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो क्या आता है, जीरो आता है. तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो और पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. मोमेंटम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा. मोमेंटम क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, कॉन्स्टेंट रहेगा. तो जैसे कि हम कहें कि हमारे पास एक चार्ज है 5 kg का 2 कूलम और दूसरा चार्ज है 3 कूलम 2 kg. ओके, और ये किसी भी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और हमने इनको पहले ऐसे रख रखा था और फिर दोनों को क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया. दोनों को जब रिलीज़ किया, अब ये सिस्टम क्या है मेरा, सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा. ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में. जो भी फोर्स है, दोनों क्या फोर्स है, इंटरनल फोर्स है. एक्सटर्नल फोर्स कितना है सिस्टम का, यहाँ पे जीरो. एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो क्या मैं मोमेंटम डेल्टा पी को क्या कह सकता हूँ, जीरो. चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो रहेगा, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा. तो अगर मैं कहूँ कि क्वेश्चन में हमसे पूछे कि कुछ समय के बाद में, मान लो कि टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स लेटर, कोई भी टाइम के बाद में इस वाले पार्टिकल 5 kg के पार्टिकल की रफ्तार 10 m/s है. ओके, तो बताइए इसी समय टी टाइम के बाद में इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी. तो ऐसे क्वेश्चन में हम किसका हेल्प लेंगे, मोमेंटम के कंजर्वेशन का, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम का क्या है अपना, जीरो. तो मोमेंटम इनिशियली कितना होगा, इसको भी रेस्ट से रिलीज किया तो मोमेंटम इनिशियल कितना है सिस्टम का, जीरो. तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए, जीरो, एज एक्सटर्नल फोर्सेस
जीरो। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, मोमेंटम P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, P इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, P फाइनल कितना आएगा हमारा, इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान लेता हूँ, ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव, तो इसके लिए क्या लिखूंगा, 5 × −10 मास इंटू वेलोसिटी। और यहाँ पे क्या हुआ, मास कितना है 2 kg, क्या लिखा जाएगा, +2 × V, तो ये कितना आ जाएगा, 0 = −50 + 2V, 2V = 50, V कितना है 25 m/s। तो ये वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, चार्ज पार्टिकल की 25 m/s। ओके।